नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में एक बार फिर लेकर आई हूँ देश भर से कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको झकझोर के रख देगी। दुनिया में सबसे जटिल क्या है? इंसान का दिमाग। जितनी सरल और खूबसूरत भावनाएं इसमें आती हैं, उतने ही जटिल और खौफनाक ख्याल भी इसमें घर किए रहते हैं। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सब जानते हुए समझते हुए भी क्यों इंसान हैवान बन जाते हैं, ये विज्ञान नहीं समझ पाएगा। कमान धारा, वार्म अप। ऑन योर मार्क, सेट। Yes, come on! Come on, push yourself! Yes! Faster, Dhara! Mama! क्या हुआ? चलो उठो। उठो। नहीं, चलो चलो। अरे आ जाओ। आ जाओ। अरे उठो उठो उठो। अच्छा सुनो, अब यहाँ से उधर जाना। आ जाओ तो। आनंद, ये मुझसे अब नहीं हो सकता। Please try and understand को मेरे से नहीं होगा ये। Please। Dhara, तुम्हें पता है ना, सिर्फ 6 महीने बचे हैं इसमें। और तुम्हें दोबारा उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितनी 12 साल पहले तुम्हें हुआ करती थी। तो प्रैक्टिस तो करनी है ना। आनंद, 12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं आपको कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक बच्ची की माँ हूँ। अब ये मेरे से नहीं होगा। धारा, तुम्हारी वो बच्ची कुहुआ बड़ी हो चुकी है, तुम पे प्राउड है, फक्र है उसे, और मैं हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता? एक बात ध्यान से सुन लो तुम, मैं अपनी धारा की आइडेंटिटी को खत्म नहीं होने दूंगा। विश्वास है विश्वास? गुड। नहीं पापा, नहीं, बहुत गंदा। नहीं नहीं नहीं, अच्छे बच्चे नाश्ता मिस नहीं करते। आराम से बैठो, चलो नाश्ता करो, नाश्ता करो। अरे धारा, क्या हुआ? रात फिर नहीं सो पाई क्या? नहीं, नींद नहीं आई। ओफो, एक मिनट। धारा तुम ना ये दवाई ले लो, पूरा दिन हेडेक रहेगा। लो ये दवाई। अरे लो ना, फिर प्रैक्टिस पे भी जाना। मैं पानी लेकर आता। अच्छा वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे? वो रिन्यू करवाना है ना। कार इंश्योरेंस के पेपर्स तुम नहीं रखे होंगे? अरे खुद ही रख के भूल गई होगी कहीं। ये लो, पहले दवाई लो। मैं रख के कहीं नहीं भूली हूँ आनंद, कभी तो अपनी गलती का एहसास करा करो, हमेशा मुझ पर इल्जाम लगा देते हो। अच्छा बाबा सॉरी, मैं ढूंढता हूँ, तुम दवाई लो, मैं देखता हूँ। आनंद जी, दोस्ती इम्तिहान लेती है, और आप हैं कि अपने ही दोस्त को अपने ही हाथों से फेल कर रहे हैं। लोन रिजेक्ट कर दिया आपने हमारा, ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक फ्लैट भाभी जी के नाम। देखिए पुरोहित जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी, क्या नाम है बेटा? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। किसका फोन था धारा? नहीं किसी का भी तो नहीं। चले हाँ तुम चलो, मैं लॉक करके आता हूँ। ये क्या कर रही है रश्मि? तू ना मेरे बेटे को मारा है, सब बर्बाद होगा, तुम नहीं बचोगे। बच्चे को नहीं मारा आनंद, उसने जो कुछ भी बोला ना उस पर ध्यान मत दो। अच्छा लिसन, लेट्स गो, कुहू बस स्टॉप पे हमारा वेट कर रही होगी। हाँ चलो आ जाओ। अच्छा धारा, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है हाफ एन आवर की, मैं वो कंप्लीट करके आता हूँ, उसके बाद मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिल्म भी देख लेंगे। क्यों, तुम एक काम करो, तब तक कुहू को पिकअप कर लो, स्ट्रीट मार्केट में मिलना मुझे। ओके जी। अरे पर वो क्या हुआ, पर्स लाना तो भूल ही गई। ओहो, अरे कैश तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं कुहू को पिक करती हूँ, तुम एटीएम से पैसे निकाल के आ जाओ। ये सही रहेगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक जी।
number you are trying to call is currently switched off. Sir, ये मेरी वाइफ धारा और ये मेरी बेटी कुहू है सर. ये दोनों कोई मिल नहीं रहे हैं सर. कब से? सर आज दोपहर 2 बजे के अराउंड मैं अपनी पत्नी को मॉडल टाउन बस स्टॉप के पास ड्रॉप करके 5 मिनट के लिए ATM तक गया था सर. एक्चुअली वहाँ पे मेरी बेटी कुहू की स्कूल बस आती है. जब वापस आया तो ना तो वहाँ पे कुहू थी ना धारा. सर उसके बाद हम लोग मार्केट जाने वाले थे. मैंने मार्केट में चेक किया, वापस घर आया, आस पड़ोस में पता किया, वो दोनों कहीं नहीं है सर. आनंद जी ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास चली गई. सर मैंने धारा के सारे फ्रेंड्स को फ़ोन किया, उनके यहाँ भी नहीं है. एंड ऐसा सर यहाँ सूरत में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है. देखिए अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो आपको रैमसम के लिए कॉल आएगा. हम आपका फ़ोन सर्विलेंस में डलवाते हैं, अगर आपको कॉल आएगा तो हमें पता चल जाएगा. सर मेरी पत्नी और बेटी को 18 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं गुम हुए. जैसा आपने कहा था मुझे रैंसम का कॉल भी नहीं आया है. सर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज़ उन्हें ढूंढिए. देखिए आनंद जी हमने आपकी पत्नी धारा और आपकी बेटी कुहू के बारे में हर जगह पता किया लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला. सर मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है पारिवारिक झगड़े की वजह से इसकी बीवी और इसकी बेटी से छोड़कर कहीं और चले गए हैं. हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों का किडनैप हुआ ही ना हो. ये दुश्मनी का एंगल. सर सर हाँ जी बोलिए. सर आई गेस आई नो के धारा और कुहू की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है. किसका? सर पुरोहित का. सर पुरोहित एक नेता है, उसका रेजिडेंशियल सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट था, पेपर फर्जी थे इसलिए मैंने लोन रोक दिया था. सर उसने मेरे घर पे आके मुझे धमकी भी दी थी. एक और धारा देखा तूने? ए धारा, अरे परेशान क्यों बैठी इतनी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आनंद मैं माँ बनने वाली हूँ. क्या माँ बनने वाली है तू? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. आनंद तुम पापा को जानते हो कि पापा ये शादी कभी नहीं होने देंगे. आनंद मुझे बहुत डर लग रहा है. आनंद धारा धारा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुझे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा. हाँ हिम्मत रख. अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब. नमस्कार, बैठिए. साहब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो. उसकी कोई जरूरत नहीं है पुरोहित जी. फिलहाल आपसे हम आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी कुहू के मिसिंग के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं. क्या बात कर रहे हैं आप? आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी मिसिंग है? कब हुआ ही? कैसे हुआ? और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी की सरकार में माँ बहन बहू और बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे. वोट मुझे ही दीजिएगा. पुरोहित और इसके आदमियों पे नजर रखो, कच्चा चिट्ठा निकालो सबका. आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं और कोई दरिंदा आकर आपसे आपका सब कुछ छीन ले, आपको यातना दे और आपको पता ही ना हो कि आप कभी इस नरक से निकल पाएंगे भी या नहीं. क्या गुजरेगी आपके ऊपर? पुलिस ने आनंद के रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, सब क्लीन लग रहा था. और पुरोहित, उसके ऊपर शक का घेरा कसता ही जा रहा था. पुलिस धारा और कुहू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी. मैं बस पहुंच ही रहा हूं. हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएंगे. हाँ कुंदन, मैं ना कहती थी इंसान को उसके किए की सजा इसी जन्म में मिलती. उस धारा ने खुद के तो बेटा जाना नहीं और मेरे बेटे को पूरी नजर डालकर मार डाला. अब इसकी तो सजा उसे मिलनी ही थी. सर हमारे हमारे पड़ोस में रहता था. एक बार वो कंचन के ऊपर रेप अटेम्प्ट कर रहा था, फिर कंचन ने धारा के साथ मिलकर उसके ऊपर रेप केस दाखिल किया था लेकिन कंचन मुकर गई और फिर अचानक से गायब हो गई सर. और यही कारण था कि अमर के ऊपर आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई. लेकिन धारा ने अमर के ऊपर दोबारा केस दाखिल कर दिया था कि उसने कंचन को मरवा दिया है और वो धारा को भी धमकी दे रहा था. सर I love you, Mithi. क्या हुआ मिति बेटा?
कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं नाना जी। बेटा तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? सबको बस स्मृति की चिंता होती है। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे केतन चाचा। अरे जिधर है जिधर है बेटा, बहुत बढ़िया। तू बता, तू कैसा है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो सूरत आया था बिजनेस के सिलसिले में, सोचो बच्चों से मिलता चलूं। ये बेटा विवेक तेरे लिए और ये बेटी तेरे लिए। सर आप लोग ने बेकार में मुझे तंग करने के लिए उठाया सर। एक रेप केस तो तेरे पे पहले से ही चल रहा था, ये तूने अपनी पावर के साथ रफा दफा करवा दिया। फिर तूने कंचन को गायब करवा दिया, और जब धारा ने कंचन का मर्डर करने का केस करवाया तेरे ऊपर। मुझे सच में नहीं पता धारा और कुहू कहाँ है। मेरा धारा से कोई लेना देना नहीं है सर। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कहते हैं। तेरी लगातार बात होती थी धारा के साथ, पीछा करता था उसका, उसकी फैमिली को फॉलो करता था। और जिस दिन धारा गायब हुई उस दिन उसने लास्ट कॉल तेरा ही पिक किया था। पूरे 32 सेकंड बात हुई थी तेरी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। देखिए सर, मैं एक शरीफ सिटीजन हूँ, और होली के दिन मैं थोड़ा नशे में था, और वो जो गुलाल वाली लड़की थी वो बार बार मुझे जिद कर रही थी, मेरे गुलाल ले लो, गुलाल ले लो। मैं उसे बार बार मना कर रहा था लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, और उसी वक्त धारा ने मुझे देखा और गलत समझ लिया। अच्छे से याद दिलवा उसका। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। विवेक तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने ही घर में चोरी कर रहे हो। बेटा क्या हुआ? देखिए नाना जी, ये मेरे पर्स में से पैसे चुरा रहा है। हाँ तो ये मेरा घर नहीं है, और अगर आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो और तरीके हैं मेरे पास। सर अमर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सर कंचन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमर को जाने दो, लेकिन नज़र रखो इस पर। ओके सर। सर एक बात और, धारा और आनंद ने ऑफिशियली 10 साल पहले अपनी आइडेंटिटी बदली है। इनके रियल नेम धनक और पुलकित है, और राजस्थान के रहने वाले हैं। हाँ सर, मैंने और धारा ने अपना नाम बदला है। एक्चुअली मैं और धारा बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सर हम दोनों को शुरू से पता था कि हम दोनों का कोई मेल नहीं। धारा के पिता ठाकुर हैं, बहुत बड़ी बिरादरी है उनकी, जबकि मेरी फैमिली मुर्दों को चलाने का काम करती है सर। जब धारा के पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की सर। मेरी माँ को भी मेरा धारा से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था सर। फिर मैं और धारा यहाँ सूरत आ गए, और यहाँ आके हम दोनों ने शादी कर ली। सर पिछले 12 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। बहुत खुश थे सर हम। क्या धारा और कुहू के गायब होने के पीछे आपके या धारा के पेरेंट्स का हाथ हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर धारा उनके हाथ लग गई तो वो उसे तड़पा तड़पा के मार डालेंगे सर। माता जी। जी। हम जनगणना के लिए आए हैं, आपके घर में कौन कौन रहता है बता सकते हैं आप? मैं अकेली हूँ यहाँ, बस मेरी पत्नी और मैं ही रहते हैं। और बच्चे कितने हैं? एक बेटी थी, मर गई। कहाँ तुम सब लोग? जल्दी आओ, मैं यहाँ तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। ओके। ये देखिए सर, इसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए सारे पंगे हुए थे, और इस पुरोहित ने तो एड्स भी डालने शुरू कर दिए। ये पुरोहित काफी पहुंची हुई चीज है। एक काम करो, पुरोहित के सारे आदमियों के पीछे अपनी खबरी लगा दो। सर धारा और कुहू को हमने राजस्थान में भी ढूंढा, वो हमें वहां भी नहीं मिले, और बाकी स्टेट्स की पुलिस से भी कोई अपडेट नहीं आई अभी तक। सर इतना समय निकल गया दोनों को गायब हुए, अब तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इन दोनों के मिलने की। अनुज, पुलिस कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकती। एक काम करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। धारा और कुहू के मिसिंग होने से लेकर अब तक एक एक चीज बारीकी के साथ इन्वेस्टिगेट करो, सबसे दोबारा से बात करो। सर आज सुबह से एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है, ये देखिए सर, किसी लड़की की किडनैपिंग का है। सर मैंने पता किया है, ये फुटेज हमारी एरिया का है। पता करो ये व्हाइट कलर की गाड़ी कहाँ है, सारे नाकों पे इन्फॉर्म करो, और इस लड़की की आइडेंटिटी भी पता करो। ओके सर।
सर सर जिस लड़की की किडनैपिंग की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही थी उसी लड़की की बॉडी है। बाल काटे गए इसके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको ह्यूमिलेट करना चाहता। और सर इसे देखकर लग रहा है इसके साथ रेप भी किया गया है। आसपास देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसका मर्डर कहीं और किया गया है और बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया। पहचान पता चली इसकी? हाँ सर। सर इस लड़की का नाम मिति भाटिया है और इसके नाना सुनील भाटिया सूरत के काफी नामी ग्रामी आदमी है। और उस व्हाइट गाड़ी का जल्द से जल्द पता लगाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिति मुझे छोड़कर इस तरीके से चली जाएगी। उसके माँ पापा की मौत 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस एक्सीडेंट में मिति और उसका भाई दोनों बच गए, तभी से वो हमारे साथ रहते हैं साहब। लेकिन साहब वो एक्सीडेंट नहीं था, मिति के माता पिता को मिति के चाचा केतन ने ही मारा था, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। मिति का चाचा? हाँ साहब, मिति के चाचा मिति के पापा दोनों बिजनेस पार्टनर थे और ये केतन बार बार बच्चों से मिलने के बहाने ढूंढता था ताकि उन्हें बहला फुसला कर उनसे उनका हिस्सा लिखवा ले। सब बकवास है सर, मिति के पापा और मैंने मिलकर ये बिजनेस खड़ा किया था और वो सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, पिता जैसे थे। माँ बाप के मरने के बाद में उन्होंने पाला पोसा मुझे, और सर मैं अपने पिता जैसे भाई को मरवा दूंगा। तुम्हारे भाई भाभी उनके दो बच्चे इन सब का उस बिजनेस और बाकी की प्रॉपर्टी में हिस्सा था, और जहाँ बात पैसे और प्रॉपर्टी की है ना वहाँ पर क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं होती। सर मानता हूँ सब पर शक करना एलिगेशन लगाना आपका काम है, बट ट्रस्ट मी सर मैंने कुछ गलत नहीं किया अपने भैया भाभी के साथ में या मिति के साथ में। सर मैं तो खुद चाहता था कि दोनों बच्चे मेरे साथ आकर रहें, अपने फादर का बिजनेस संभालें, पर मिति के नाना को पता नहीं कहां से ऐसा लगता था कि मैंने अपने भैया भाभी को मरवाया। अब सर बहन का तो कोई इलाज है नहीं ना। सर मिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर चाकू से स्टैब करने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, उसके बाद उसके सीने को चाकू से स्टैब किया गया। ये सोच के भी घिनाती है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। उस व्हाइट गाड़ी का कुछ पता चला? सर उस गाड़ी का ये नंबर क्लीन हुआ है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो और मिति के बारे में पता करो, कौन थी, कैसी थी, उसके दोस्त कौन कौन थे, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके दुश्मन कौन थे। सर धारा जहाँ से गायब हुई थी, और कौन थी वो औरत? सर वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, किसे कुछ पता नहीं है। इन दोनों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन जिन लोगों के नंबर हैं उस दिन की उन सबकी फोन लोकेशन निकालो। सर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया है ना, जाओ यहाँ से। आनंद मेरी बात तो सुनो, मुझे ऐसे दरवाजे से वापस मत भेजो, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। सर आनंद और धारा के कॉल रिकॉर्ड्स, और आनंद की इस गायत्री से बहुत बातें होती थी दिन और रात, वो भी पिछले 3 महीने से। अफेयर का कोई एंगल हो सकता है सर, क्योंकि गायत्री उसी बैंक में ब्रांच मैनेजर है जहाँ पर आनंद काम करता है। गायत्री जी, आप और आनंद एक ही बैंक में काम करते हैं? जी सर। और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं? जी नहीं, हम प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हैं। लेट नाइट इतने सारे कॉल्स, लंबी लंबी बातें, ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में ही आता है क्या? सर कभी कभी काम के सिलसिले में करनी पड़ती है। तो फिर आपका आनंद की वाइफ धारा के साथ झगड़ा क्यों हुआ? सर धारा को लग रहा था कि मेरा और आनंद का अफेयर चल रहा है। सर ये एकदम बेकार की बात है, धारा को मुझ पर कभी कोई शक नहीं था, बल्कि धारा तो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझ पर कभी शक कर ही नहीं सकती। सर ये गायत्री हमारे घर के चक्कर लगा रही थी और धारा को परेशान कर रही थी। क्यों? क्योंकि सर इस गायत्री ने हमारे बैंक में 50 करोड़ का फ्रॉड किया था और वो फ्रॉड मैंने पकड़ लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया है ना, जाओ यहाँ से। आनंद मेरी बात तो सुनो, मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी के गायब होने से बहुत परेशान हो, लेकिन मेरे बारे में सोचो, अगर तुमने मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी बच्ची सड़क पर आ जाएगी। आनंद गायत्री, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं किया है। एक पल के लिए ना तुम्हारी बेटी की वजह से मैंने तुम्हें माफ करने का मन बना लिया था, लेकिन अभी अभी तुमने ये जो घटिया हरकत की है ना
उससे तुमने मेरे इरादों को और भी पक्का कर दिया है। ये है तुम्हारे 50 करोड़ के गबन की कॉपी, जो आनंद ऑलरेडी तुम्हारे सीनियर को भेज चुका है। एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे सच बताओ। मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं, मैंने उनको कुछ नहीं किया। फिर मार्केट में धारा के साथ झगड़ा क्यों किया था, क्यों लड़े थे दोनों? मैं धारा से कहने गई थी कि वो अपने पति को मनाए। धारा, मेरी बच्ची के बारे में सोचो, तुम भी एक माँ हो। I'm really sorry sir, लेकिन धारा को कहाँ है ये मैं नहीं जानती, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस गायत्री पे नजर रखो। सर, जिस गाड़ी का नंबर हमें मिला, असली गाड़ी तो उस दिन पार्किंग में खड़ी थी। सर, मैंने चेक किया, दोनों गाड़ियाँ अलग अलग हैं। जी, और कोई अपडेट? सर, मैं मिति के दोस्तों से मिला, उन्होंने किसी गौरव नाम के लड़के के बारे में बताया। सर, मुझे किसी जिल्टेड लवर का मामला लगता है। उठा के लाओ उसको। सर, मिति को स्टॉक करता था, उस पर एसिड फेंकने का नाटक करके तूने डराया था उसको। मैं मिति को स्टॉक नहीं कर रहा था सर, मैं तो उसे दिल से लाइक करता था, इनफैक्ट वो भी मुझे लाइक करती थी सर। सर, एक छोटी सी बात पे उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मैं बस सर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने सिर्फ उसे मनाया था। तेरे जैसे रोड छाप मजनू बहुत देखे मैंने, मैं कभी के लिए जाने दे रहा हूँ, लेकिन बिना बताए शहर छोड़ के मत जाना। राजा माथुर, इसकी पूरी बैकग्राउंड चाहिए मुझे। सर, धारा के पिता धनंजय सिंह के पास में एक दूसरा मोबाइल नंबर भी है, मैंने इसके मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स निकलवाई है। सर, धनंजय सिंह पिछले 2 साल से सूरत आ जा रहा है, और अक्सर इसका फोन धारा के घर के पास में भी एक्टिव रहता था। उठा के लाओ इस धनंजय को। सर, धारा और कोह कहाँ? आपने पुलिस वाले भेजे तो थे मेरे घर पर भेष बदलकर, आपको पता तो है कि धारा वहां नहीं है। सर, धारा और कोह का कहीं पता नहीं चल रहा। ओके सर। 2 साल से नजर रखे हुए थे आप धारा पर। मेरी बेटी ने मेरे मुंह पर कालिख मली थी, उसने घर से भागकर एक ऐसे लड़के से शादी की थी जिसका खानदान हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं, तो बस देखने आता था कि वो कितना पछता रही है। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसे बाप से भी ज्यादा प्यार दे। आनंद एक ऐसा ही पति था, तो बस दूर से देखता था और खुश हो जाता था। तो रिश्ते सुधर गए थे आप? कभी नहीं। जैसे ठाकुर धनंजय सिंह का गुस्सा कभी खत्म नहीं हो सकता, वैसे एक बाप का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैंने बाप के प्यार को भी जिंदा रखा और ठाकुर की गरिमा को भी। कुछ दिन पहले आप यहाँ भी आए थे सूरत? हाँ, आया था। जिस आनंद के भरोसे मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया, वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मेरी बेटी और नवासी को किसी ने किडनैप कर लिया और वो 1.5 महीने तक कुछ नहीं कर पाया। इस धनंजय की सारी डिटेल्स निकालो, ये बोल तो रहा है पर इस बात के पूरे चांसेस हैं किसी ने अपनी बेटी को गायब करवाया हो। ऑनर किलिंग के नाम पर अपनों का खून बहाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। सर, मीति के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गौरव के पीछे मैंने अपना एक आदमी लगा रखा था, उसने बताया कि गौरव मीति के नाना नानी के घर काफी चक्कर लगा रहा था, एक दिन तो सर वो विवेक का भी पीछे करते हुए देखा गया था। विवेक का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि विवेक को मुझे मिति के बारे में कुछ बताना था सर। क्या बताना था? सर, ये वीडियो कहां से आया तेरे पास? सर, ये तो मुझे खुद मिति ने शेयर किया था सर। और ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो इसलिए क्योंकि मैंने मिति से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। ये है मेरी असलियत गौरव, वो जो अपने दोस्तों से मिलती है वो तो एक नकली मिति है। मिति, हम अभी पुलिस के पास चलते हैं, चलो मेरे साथ। नहीं गौरव, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, अगर हम पुलिस के पास गए तो नाना विवेक को मार देंगे। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताओगे, प्लीज। ये क्या बकवास है? नीति मेरी नातिन थी, इतनी घिनौनी बात सोचते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुझे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मैं पूछने में कैसे आ सकती? अनुज देख, इससे पहले कि मैं तेरी उम्र का लिहाज भूल जाऊं, जो भी सच है कबूल कर ले। हाँ।
हाँ सब, मिट्टी मुझे बहुत अच्छी लगती थी सब, मेरा दिमाग खराब हो गया था सब, सब जब उस बच्ची को मेरे सहारे की जरूरत थी तब तब मैंने उसका फायदा उठाया सब। और जब तुझे लगा कि वो तेरा एक घिनौना चेहरा दुनिया के सामने ला देगी तो मरवा दिया उसको। मैंने उसे नहीं। अनुज माथुर, अब इसे सच उगवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं सब, मैंने सच में नहीं मारा, सब मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। सर ये सुनील तो एक ही बात पे अटका हुआ है, बोल रहा है उसने मीति का रेप तो किया था लेकिन उसके मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं, मोटी चमड़ी का। जब तक ये सच नहीं बोलता है ना, इसकी कुटाई जारी रखो। पता नहीं लोग इतनी दरिद्री कैसे कर पाते हैं। एक बच्ची को मारा, मारने के बाद उसका रेप किया और दूसरी तरफ धारा और उसकी बेटी को अभी तक गायब। सर धारा के केस में मुझे पूरी तरह से शक पुरोहित पे है, बहुत पावरफुल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये धारा का केस जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं। कई लोग हैं जिनके ऊपर डाउट है। पीछे धारा के फादर धनंजय सिंह, अमर, गायत्री और ये पुरोहित भी। सर पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। अगर वो लोग जिंदा नहीं है तो लाशें ढूंढो उनकी। जब तक उन लोगों की लाशें नहीं मिल जाती मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो लोग मर चुके हैं, और ना ही तब तक ये केस क्लोज होगा। सर वडोदरा पुलिस से एक केस आया है, उन्होंने मिति केस के बारे में अखबार में पढ़ा था। सर वडोदरा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली थी, उस लड़की को भी मिति की तरह गला दबाकर मारा गया था। सर मरने के बाद उस लड़की का रेप किया गया और फिर उसके सीने को चाकू से स्टैब किया गया। व्हाट, कहीं किसी सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर का काम तो नहीं है? कब का केस है? सर ये मिति की डेड बॉडी मिलने से 10 दिन पहले का। 10 दिन पहले का? इस केस की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। आस पास पता करो किस तरह के और भी केसेस हुए हैं क्या। हर थाने वाले भेजो, क्विक फास्ट। ओके सर। तुझ में चैन आएगी, तुझे मैं वापस ला कर रहूंगी। कैसी हो, मजे ले रही है ना जिंदगी के? तुम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो, बैंक में सेटिंग हो गई है मेरी। वैसे भी आनंद जी आजकल दुख में हैं और यही तो मैं चाहता था। सर आपका केस बिल्कुल सही निकला। अभी कुछ दिन पहले पलेज में एक रेप और मर्डर केस हुआ। अगर ये किलर एक ही गाड़ी यूज कर रहा है तो बहुत ही चालाकी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है। मे भी जंगल के रास्ते हैं। हाईवे के आसपास सर्च करो, कैसे भी करके इस गाड़ी का पता लगाओ। ओके सर। सर ये वही गाड़ी है जिसमें मिति को किडनैप किया गया था। सर इसके ऊपर आरजे का नंबर स्टिक किया गया था, जब मैंने इसे उखाड़ा तो नीचे से गुजरात का नंबर निकला। गाड़ी को अच्छे से सर्च करो और देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर गाड़ी में राजस्थान के एक रेस्टोरेंट का बिल मिला है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि हाल ही के 15-20 दिनों में आपने इस गाड़ी वाले को खाना डिलीवर किया था? हाँ सर, ये गाड़ी वाला हमेशा खाना मंगवाता है। कहाँ मंगवाता है? सर यही घर है। हाँ सर। चेक करो, आसपास पता करो और देखो घर में अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या। सर क्विक फास्ट।
झूठे मिति के कातिल को ढूंढने आए थे, फिर धारा उसकी बेटी। सर समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। पता करो ये घर किसका है। सर 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 आसपास पता किए, ये घर किसी तुलसी बहन के नाम है। लेकिन धारा और को आनंद के घर में कैसे? अनुज उस ढाबे वाले को फोटो भेजो आनंद का, कंफर्म करो कि आनंद खाना लेने आता था क्या। क्विक फास्ट। सर देखो आखिरी बार बोल रहा हूं तुमसे। सर सर हाँ ढाबे वाले ने कंफर्म किया है, आनंद उसके ढाबे पे खाना लेने के लिए आता था। आनंद मतलब ये सारा देखो हमें पता चल गया आनंद कि तुम ही अंदर हो। हमारे हवाले कर दो अपने आप को, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सरेंडर करने के अलावा। हो जा शुरू से शुरू। मेरी धारा को फर्स्ट स्टेज अल्जाइमर्स है, वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूल रही थी। अच्छा वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे हैं? वो रिन्यू करवाना है ना। डॉक्टर्स ने धारा को एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट हुआ करती थी मेरी धारा, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो रनिंग फिर से शुरू करे ताकि उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी। लेकिन ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं था, वो धीरे धीरे हिम्मत हार रही थी और मुझे कहीं कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी। और तब मैंने अपनी माँ से बात की, मेरी माँ ने ही मुझे धीरू बाबा से मिलवाया। मेटी को क्यों मारा तुमने? वहीं से तो शक्ति आनी थी ना, सात कुंवारी लड़कियों से सतगुनी शक्ति। तीन लड़कियों की बलि दी तूने रेप करके। सर बस चार और लड़कियों को मार दूंगा ना तो मेरी धारा पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सर जो बीमारी उसको सालों बाद होती तेरी दरिंदगी की वजह से, मैं एग्रीवेट कर चुकी है। मानसिक संतुलन खो बैठी है धारा अपना। अगर तूने जरा भी हिम्मत दिखाई होती, समय पर उसको दवाई दी होती तो शायद वो बुढ़ापे तक ठीक रह सकती थी, लेकिन तूने उसको जीते जी मार डाला। सोच कि तेरी मासूम कोह का क्या होगा। मम्मी सो, मम्मी सो। कौन है तू? जा ना, हट जा, रुक जा, जा कौन है तू? प्यार के बहुत से रूप देखे हैं मैंने, लेकिन ऐसा भी एक रूप हो सकता है ये सोचा भी नहीं था। आनंद धारा से बहुत प्यार करता था और उसका यही प्यार धारा के लिए नासूर बन गया। तो गलती किसकी थी, आनंद के प्यार की या उस मानसिकता की जिसमें कुछ पाने के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, या उस अंधविश्वास की जो इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर देता है। जहां एक तरफ हम स्पेस में अपनी एक और दुनिया बनाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घुन की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में अंधविश्वास के ऐसे खौफनाक रूप हमने देखे हैं कि ऐसा लगता है मानो हम आदिकाल में रह रहे हैं। आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है, ये इंसान में इंसानियत जगाती है। अंधविश्वास इंसान को जानवर बना देता है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।